और ये मैं खा नहीं पाया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मेडिकल चेकअप के लिए बोला गया है, हमारा सैंपल लिया जाएगा और जो लोग नेगेटिव हो गए उनको ये छोड़ देंगे। दोस्तों फाइनली मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ और जो शॉर्ट्स आपने देखे वो थे भाई ऊबर बाइक के। मैंने बाइक बुक की थी इंस्टेड ऑफ कार, और यार इसलिए बुक की थी क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरा बच जाता। बहुत सारा जाम हो रखा आज के दिन पे, पूरी की पूरी दिल्ली और एनसीआर सारा का सारा जैम पैक हो रखा है। तो मेट्रो नहीं चल रही थी तो आई थॉट तो ऊबर विल बी अ गुड आइडिया। जब मैंने बाइक का ऑप्शन देखा तो आई चूजन बाइक। तो ठीक ठाक टाइम से पहुँच गया हूँ, मेरे पीछे है देख लीजिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट वाले साइड से मैं अभी अंदर जाऊंगा। और आज की हमारी गाड़ी है 02461 श्री शक्ति एक्सप्रेस, जिसका यहां से निकलने का टाइम है 5:30 और सुबह कटरा पहुंचाने का टाइम भी 5 बजे के आसपास ही है। तो यार जाना तो मैं घर चाहता था वंदे भारत से, पर भाई क्या करें, वो कैंसिल। जिस दिन बुकिंग होती, जिस दिन गाड़ी होती है उस दिन से एक दिन पहले तक वो बुकिंग कर लेते हैं, पर जिस दिन गाड़ी होती है वो उस दिन कैंसिल, चार्ट बनने का टाइम कैंसिल। तो यार बहुत ही ख़राब सा सिस्टम देखने मिल रहा है पूरी आईआरसीटीसी और इंडियन रेलवेज़ द्वारा। इनको खुद ही समझ आ रहा है कि कौन सी गाड़ी चलाई जाए, कहाँ चलाई जाए, कैसे चलाई जाए, कौन सी टर्मिनेट कहाँ करनी है, कहाँ के लिए चलानी है। तो फिलहाल दोस्तों मैं जा रहा हूँ अंदर और ब्लॉग ही शुरू करते हैं। और उससे पहले यार अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को ज़रूर दबाना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं एक और वीडियो, पर इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना। फिलहाल दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं यार लाइनें लगी हुई हैं और मेरे को भी अभी किसी लाइन में घुसना होगा एंट्री लेने के लिए। विदाउट लाइन तो एंट्री बहुत मुश्किल हो चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों आज का जो मेरा ट्रिप है वो प्लान्ड नहीं था, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले ही करंट में सीट निकाली है और मेरे को मिली है भाई मिडल बर्थ B3 में। और आज की हमारी जो मैंने गाड़ी आपको पहले बता दी है श्री शक्ति एक्सप्रेस 02461, और ये गाड़ी लगती है न्यू दिल्ली पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। श्री शक्ति एक्सप्रेस कटरा न्यू दिल्ली। और देखना पड़ेगा ये कोच कौन सा है। ये है दोस्तों फर्स्ट एसी का, और मुझे लगता है काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा अपन को, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। तो यार ये देख लीजिए कितना क्राउड है यहाँ पे, सारे के सारे लोग अभी अंदर जाएंगे। शायद अभी लोकोमोटिव अटैच हो रहा है फिर ये दरवाज़ा खुलेगी। और रश देखिए भाई, लोगों में बिल्कुल भी सब्र नहीं है यार, बस गाड़ी लगे तो इनको बिठा दो। तो दोस्तों गाज़ियाबाद शट का WAP7 लगा हुआ है इसको। तो दोस्तों थर्ड AC के ना इसमें 12 कोचेस लगे हुए हैं, ये देखिए 12 कोचेस थर्ड AC के लगे हुए हैं भाई। दोस्तों जब भी मैं घर जाता हूँ न्यू दिल्ली से तो बहुत सारा सामान एक्स्ट्रा ले जाता हूँ, हर बार लालच करता हूँ, इस बार फिर से किया है। और यार सामान मेरा बैग इतना भारी हो चुका है, ऊपर से ये पॉलीथीन, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान है और बहुत ही कॉस्टली सामान है और बहुत भारी भी है। तो यार कुछ लोग गाड़ी में चढ़ चुके हैं, राइटली सो, सिर्फ कुछ ही समय रह गए गाड़ी में डिपार्ट होने के लिए। और मैं भी जाता हूँ अपने कोच के पास, गाड़ी में बोर्ड करता हूँ भाई। तो जल्दी से मैं आपको अपनी गाड़ी का रूट बता देता हूँ। नई दिल्ली से निकलने के बाद सीधा ये रुकेगी भाई अम्बाला कैंट जंक्शन पर, उसके बाद लुधियाना जंक्शन पर, जलंधर कैंट में, पठानकोट कैंट में, और फिर सीधा जम्मू तवी, उधमपुर और कटरा। पर मैं दोस्तों कटरा नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने शहर जम्मू में ही जा रहा हूँ। मैं जम्मू पर ही उतर जाऊँगा और मेरी टिकट भी है जो वो जम्मू तक ही है। दोस्तों ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हमारी गाड़ी लगी और टाइम देख लीजिए 5:28, तो मात्र 2 मिनट बाकी है गाड़ी के डिपार्चर को। तो दोस्तों गाड़ी निकल चुकी है अपने राइट टाइम से न्यू दिल्ली से। अब देखते हैं कि ये गाड़ी कटरा और जम्मू तवी दोनों स्टेशन पे ठीक टाइम पे पहुंचाती है कि नहीं पहुंचाती। और भाई जम्मू तवी स्टेशन का टाइम तो इसका बहुत ही गंदा है, मेरे तकरीबन 2:45 बजे। लीजिए किसी ने चेन खींच दी भाई। किसी ने चेन खींच दिया भाई। यार पता नहीं ये सिस्टम का पीक होगा, पता नहीं वो घर से लेट आते हैं, जल्दी निकलते नहीं, तो फिर जब इनके लोग रह जाते हैं तो बस चेने खींचते हैं। दोस्तों फिर से चेन पुल होने के बाद गाड़ी चली है। और यार उन लोगों में किस्मत देखिए जो अभी चढ़े हैं, कम से कम भी कोई 18-20 लोग अभी चढ़े हैं, तो यार किस्मत की बात है। बस अगर गाड़ी चलती होती 2 मिनट की एक चेन पुल ना होती तो वो नहीं चढ़ते। इमोशन और असूल दोनों को एक साथ संभालना वेरी टफ। दोस्तों इट्स टाइम टू से बाय बाय टू न्यू दिल्ली। बहुत बढ़िया रहे ये मेरे सारे के सारे ट्रिप्स जो आपने एंजॉय किए। आई होपफुली आगे वाले भी ट्रिप्स बाय बाय। तो आई होप कि आगे वाले ट्रिप्स भी बढ़िया ही रहेंगे। दोस्तों अब चलते हैं, थोड़ा सीट पे बैठते हैं, फिर आपको कुछ फास्ट स्किप दिखाते हैं। दोस्तों अभी आपने जो स्किप देखा है वो है सोनीपत जंक्शन का, और सोनीपत जंक्शन को हमारी ट्रेन स्किप देती है 6:05 पे, बट अभी हुआ है 6:40, तो हम 35 मिनट अभी भाई लेट चल रहे दोस्तों इस टाइम है हम करनाल शहर में, और हम स्किप करने जा रहे हैं करनाल रेलवे स्टेशन को, बट बहुत ही आहिस्ता से स्किप कर रहे हैं। पानीपत जंक्शन की तरह एक फास्ट स्किप नहीं है ये। तो दोस्तों सामने टाइम देख सकते हैं 7:25, बट जबकि स्टेशन को स्किप किया जाता है 7:07 या 8 के आसपास। अभी गाड़ी ने रफ्तार बना ली है। दोस्तों काश ये खंभों पे लाइट होती यार, तो मैं आपको बताता कि हमारी ट्रेन इस टाइम कितनी सुंदर लग रही है। दोस्तों वो जो लाइन है ना भाई, वो आ रही है सहारनपुर जंक्शन की ओर से, और अभी हम अराइवल ले चुके हैं अम्बाला कैंट जंक्शन पर। और दोस्तों अम्बाला कैंट जंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें बनाता है। जंक्शन है तो सहारनपुर जंक्शन वाली लाइन, सरहंद वाली लाइन, राजपुरे वाली लाइन, और लुधियाना वाली लाइन, जम्मू तवी वाली लाइन, तो यार दिल्ली वाली लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है और बहुत सारी लाइनें बनाता है भाई, जैसे मैंने आपको बोला। दोस्तों हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है अम्बाला कैंट जंक्शन और ये हमारी गाड़ी का पहला ऑफिशियल हॉल्ट। अभी तक गाड़ी ने कवर कर लिया है 200 किलोमीटर्स और इस स्टेशन का कोड है UMB। यहाँ पे गाड़ी का ये हॉल्ट है वो है भैया 10 मिनट का। और दोस्तों अम्बाला कैंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है। तो कोविड से पहले यहाँ पर 227 ट्रेन का हॉल्ट हुआ करता था, उनमें से 26 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट हुआ करती थी, 27 ट्रेन टर्मिनेट हुआ करती थी और अभी फ़िलहाल यहाँ पे 86 ट्रेन का हॉल्ट है। यहाँ पे कुल 7 प्लेटफॉर्म्स है और हमारी गाड़ी भी दोस्तों आई है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। तो दोस्तों यार लंबा सफ़र है, पूरी रात जागना है और जम्मू का भारी ऑकवर्ड सा टाइम है। तो मीनवाइल आई एम हैविंग पूड़ी छोले, लेट मी शो यू। ये छोले भाई और ये पूड़ी डिलीशियस लग रही है, ये खा के बताऊँगा कि कैसे है। बाकी 10 मिनट का हॉल्ट है तो आई होप कि 10 मिनट गाड़ी रुक जाए, पर यार गाड़ी ऑलरेडी 20 मिनट लेट है। तो दोस्तों गाड़ी हिल गई है और ये मैं खा नहीं पाया हूँ। भाई 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 गाड़ी लेट हो तो भाई ऐसे ही होता है, 20 मिनट गाड़ी लेट, खाना भी ढंग का नहीं खा पाया और एक पूड़ी छोड़ के आया हूँ। यहाँ अभी चाय पियेंगे या सूप पियेंगे, पेंट्री कार हॉट बफे कार है और उसका जो सच है मैं आपको कल सुबह बताऊंगा क्या सीन है उसका। दोस्तों गाड़ी निकलने के बाद आई हैव जस्ट टेकन अ टी, उसको फुल करवाया अच्छी तरह से ताकि थोड़ी सी गर्मी आए, यार ठंड लग रही है। सो दोस्तों अभी हम स्किप कर रहे हैं राजपुरा जंक्शन और ट्रेन की जो स्पीड है इतनी खासी नहीं है, बट फिर भी 70-80 की स्पीड रही होगी। और यहाँ से दोस्तों एक लाइन गई है पटियाला की ओर, धुरी जंक्शन की ओर। जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत वधिया लग रहा है यार गुरुद्वारा, बहुत बार गया होया मैं इत्थे, जदों भी लुधियाने आईदा बेला टाइम कट के इत्थे जरूर जाईदा। स्टेशन के बिल्कुल बाहर निकल के सज्जी साइड नूं जाओ तो गुरुद्वारा आंदा, अगर खब्बी साइड नूं जाओ तो घंटा घर आ जांदा वे। ड्यूटी का देनी थी, बुरी हालत हो गई। वेब 5 गाजियाबाद सड़का। तो दोस्तों गाड़ी पहुंच चुकी है अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट पर, नाम है लुधियाना जंक्शन और यहाँ तक गाड़ी ने कवर कर लिया 313 किलोमीटर। स्टेशन का कोड है LDH। यहाँ पर गाड़ी रुकेगी 10 मिनट के लिए। इस स्टेशन पर ये लुधियाना जंक्शन पर कुछ मेन लाइनें बनती है। एक लाइन जिसपे अभी हम आ रहे हैं दिल्ली वाली लाइन, दूसरी चंडीगढ़ वाली लाइन, धुरी वाली लाइन, पायलका वाली लाइन और भैया जलंधर वाली लाइन। दोस्तों ये सामने खड़े हैं WDM 3A और आपको बता दूं कि डीजल लोकोमोटिव का ये शेड भी है यहाँ पे। मोर देन 200 लोकोमोटिव्स को ये भाई मेंटेन भी करता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है WDM 2, WDM 3A। दोस्तों कोरोना काल से पहले यहाँ पे 225 ट्रेन का हॉल्ट हुआ करता था, उनमें से 18 ट्रेनें ओरिजिनेट होती थी, 18 ही टर्मिनेट होती थी और अभी यहाँ पे 76 ट्रेन का हॉल्ट है। और दोस्तों हमारी जो गाड़ी है श्री शक्ति एक्सप्रेस नई दिल्ली से लेकर कटरा तक डिस्टेंस कवर करती है 654 किलोमीटर विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर और जो एवरेज स्पीड है वो है 62 किलोमीटर पर आवर। इस रूट पे कटरा और नई दिल्ली के बीच ये सेकेंड फास्टेस्ट गाड़ी है, फर्स्ट फास्टेस्ट है भाई कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों हमारी गाड़ी निकल रही है लुधियाना जंक्शन से और यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म थे और हमारी गाड़ी रुकी थी आके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और दोस्तों ये स्टेशन ओपन हुआ था साल 1864 में और ये इलेक्ट्रीफाइड हुआ था 1996 में। दूसरी तरफ से दिखाता हूँ आपको कुछ। अरे यार वहाँ तो मालगाड़ी खड़ी है, देख लो भाई सुनसान पड़ा है बिल्कुल ही। और ये जो टाइम होता था ना भाई मज़ा आ जाता था भाई लुधियाना जंक्शन पर आके, बट अभी फ़िलहाल सुनसान सुनसान सुनसान। और लुधियाना जंक्शन से लेके इसका अगला स्ट्रेच है जलंधर कैंट का और डिस्टेंस है 53 किलोमीटर्स। बाय बाय लुधियाना जंक्शन, फिर मिलांगे, जुंदे रहे ते मिलांगे लख वारी, आगे नहीं बोलना। तो दोस्तों गाड़ी निकली है लुधियाना जंक्शन से, तो इसी के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का टॉयलेट। तो सबसे पहले ये बाहर मिरर देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा गंदा थोड़ा थोड़ा साफ। और बाहर ये यहाँ पे सिंक है और यहाँ पे है भाई एक बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन, यहाँ पे सिलेंडर, यहाँ पे भी डस्टबिन, यहाँ पे भी डस्टबिन। अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मिरर दिया गया भाई साहब, साफ सुथरा इतना ज़्यादा नहीं है पर फिर भी ठीक ठाक है। ऊपर एक लाइट दी गई है और यहाँ पे सोप दिया गया है और यहाँ पे भाई एक सिंक दिया गया है, बेसिन दिया गया है और यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा है सब। पुश बटन दिया गया है। ये यहाँ पे शायद शॉवर लगा हुआ था, इसका निशान अभी तक यहाँ पे है और ये इसको टांगने के लिए जगह भी थी बट शॉवर यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे एक हैंगर दिया गया है, बाकी होल्डर दिया गया है। तो ठीक ठाक है, जैसा भी है हम इसको और अच्छा बना सकते हैं पर डिपेंड है मेंटेनेंस के ऊपर और हम लोगों पे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग सो चुके हैं और यहाँ पे भाई सीटें खाली हो गई हैं और काफ़ी सारी सीटें खाली हैं। लुधियाना से काफ़ी सारे लोग पैसेंजर उतर गए थे। दोस्तों मैंने 2 इम्पोर्टेंट स्टेशन फिल्लौर और फगवाड़ा जंक्शन स्किप कर दिए हैं, मतलब लिए नहीं, पता नहीं चला यार, मोबाइल पर बिजी था, कब आए कब निकल गए पता नहीं चला। हालाँकि मैं बैठा हुआ हूँ जलंधर को, अब मिलते हैं आपको जलंधर में। यार इतने तक ओपन दे रहा वे। और लाइटा जगा देनी असी पतंदरो। दोस्तों गाड़ी पहुंच चुकी है अपने तीसरे होल्ट पर जलंधर कैंट। यहाँ पे गाड़ी का जो होल्ट है वो 5 मिनट का, स्टेशन का कोड है JRC और गाड़ी हो चुकी है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 20 मिनट लेट। तो ये है भैया अदर प्लेटफॉर्म्स और यहाँ पे दोस्तों टोटल 3 ही प्लेटफॉर्म है। एक लाइन कटती है होशियारपुर को, एक लाइन कटती है और जो मेन लाइन है अमृतसर वाली वो तो है ही। इसके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है और बहुत तगड़ा शहर भी। और इस शहर में इंडस्ट्री के लोग दिए हैं, इस शहर में स्पोर्ट्समैन दिए हैं, बहुत सारे फेमस नाम इस शहर से हैं। और दोस्तों ये जो स्टेशन है ना ये बना था 1870 में और ये जो लाइन है ना अमृतसर जालंधर वाली, ये जो लाइन है ये दोस्तों सारी की सारी इलेक्ट्रीफाइड हुई थी 2003 में। और जो मुकेरियाँ वाली लाइन है, जसोया वाली लाइन है, ये सारी की सारी सेम ही ईयर में इलेक्ट्रीफाइड हुई थी 2003 में। और दोस्तों कोविड से पहले यहाँ पे 151 ट्रेन का होल्ट हुआ करता था बट अभी फिलहाल में यहाँ पे अराउंड 40 ट्रेन का ही होल्ट है। और जम्मू वाली ट्रेनों को कंसीडर करेंगे तो यार बहुत कम चल रही हैं, कोई कैंसिल हो रही है, कोई टर्मिनेट हो रही है, कोई डेस्टिनेशन स्टेशन तक पहुँच नहीं रही। तो यार कुल मिला के जो तामझाम है इंडियन रेलवेज़ का वो समझ नहीं आ रहा, शायद वो खुद कन्फ्यूज़ हैं क्या करें क्या ना करें। दोस्तों इस बोगी में ना दोनों तरफ 2-2 कैमरे लगे हुए हैं, एक कैमरा ये रहा, एक कैमरा ये रहा और दूसरी तरफ भी अदर वाली साइड है वहाँ भी 2 कैमरे लगे हुए हैं। तो यार सिक्योरिटी का यहाँ पे पूरा ख्याल है इस गाड़ी में। तो दोस्तों जलंधर कैंट से छूटने के बाद गाड़ी रुकेगी पठानकोट कैंट पे और दोनों स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो है 113 किलोमीटर 113 किलोमीटर। और यहाँ पे करते हैं जलंधर कैंट स्टेशन को बाय बाय, जलंधर कैंट जंक्शन। और जंक्शन इसलिए बाय क्योंकि यहाँ से अब गाड़ी दाएं की ओर मुड़ जाएगी और वो जम्मू वाला रूट है, जम्मू तवी वाला रूट है। और अगर सीधी चली जाएगी तो जलंधर शहर आ जाएगा। तो बाहर से बाहर यार खड़ा नहीं हो जा रहा, बहुत फ़र्क है भाई दिल्ली यहाँ में, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, बेंगलोर में, बहुत अलग अलग शहरों का अलग अलग वेदर। चलिए यार अंदर चलते हैं, बाहर खड़ा नहीं हो जा रहा। और दोस्तों ये लीजिए दसोया नहीं मुकेरियाँ, दसोया ना गया। और यहाँ पे भाई मैं खेल रहा हूँ ऑनलाइन लूडो, और अभी तो ठीक पोजीशन चल रही है, उसको सेव कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पबजी खेलते हैं बट भाई पबजी नहीं खेलता, मैं लूडो का प्लेयर हूँ और लूडो ही मुझे अच्छी लगती है। दोस्तों जो ठंड है ना भाई वो अपनी चरम सीमा पे है। वैसे भी जब इस एरिया में गर्मियों से भी गुजरे ना तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, और अभी तो भाई ठंड है, असली वाली ठंड। और पठानकोट कैंट, ओए रब्बा ठंड ठंड। और पठानकोट कैंट पे एक गाड़ी भी खड़ी है भाई, और यहाँ से तो अच्छी तरह से अराइवल नहीं पता चलेगा, यहीं से खोलना पड़ेगा गेट। और यहाँ भी मुझे लगता है कि लाइट इतनी ज़्यादा है लाइट है भाई। अराइवल ज़्यादा ज़रूरी है गाड़ी दिखाने से, नहीं तो बंदे नाराज़ हो जाते हैं। पठानकोट कैंट छावनी जिहदा पुराना नाम चक्की बैंक है हुंदा सी। भाई इस तरफ जो गाड़ी लगी थी ना ये सिर्फ रेक से थे, गाड़ी नहीं थी, ये सेंटर लाइन में लगाई हुई है और इसके आगे लोकोमोटिव भी लगा हुआ है। तो दोस्तों 477 किलोमीटर्स करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पठानकोट कैंट छावनी पर, पठानकोट कैंट जंक्शन पर। और आजो 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 आर्मी जो चलो BSF कोई चक्कर नहीं, एक ही गल है दोनों ने देश की सेवा करनी वीर है ना। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो होल्ट है पठानकोट कैंट पर वो है 5 मिनट का, और स्टेशन का जो कोड है वो है PTKC। यहाँ से पहले यहाँ पे 97 ट्रेन का होल्ट हुआ करता था, तो उनमें से ना तो कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती थी ना तो टर्मिनेट। अब बट अभी फिलहाल यहाँ पे 34 ट्रेन का होल्ट है, और उनमें से भाई बस कुछ ही ट्रेनें चल रही हैं। और यहाँ से जो पठानकोट शहर है बिल्कुल पास है। और पठानकोट कैंट पर हुआ करता था पहले एक डीजल लोकोमोटिव जो छोटी लाइन वाला, यहाँ पे मेंटेनेंस होती थी उसकी, बट अभी वो यहाँ से सबॉर्डिनेट कर दिया गया है। 200 स्टेशन बना था 1952 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था 2003 में, और यहाँ पे कुल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। और दोस्तों ये गाड़ी यहाँ मेन लाइन पे लगी थी ना जलंधर की, और वो अभी जस्ट निकली है और खाली रेक्स थे भाई वो। और यहाँ पे देख लीजिए लोग यहाँ से चढ़ के वहाँ से होते हुए यहाँ से एग्जिट करेंगे, बाहर जाएंगे। और यहाँ पे किसी तरह का कोई कोरोना टेस्ट कुछ नहीं हो रहा भाई। और दोस्तों जम्मू पहुँचने पर हमारा कोविड टेस्ट होगा, और आगे तो आपको पता ही है। और आपको पिछली बार बता दूँ, पिछली बार मैंने एक बार पहले भी इस ट्रेन का ब्लॉग बनाया था, और तब क्या हुआ था भाई जब जलंधर आने वाला था तो मेरे को नींद आ गई थी और मैं सो गया था। तो अब मैं किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और अब तो बिल्कुल भी रिस्क लेने का टाइम बचा ही नहीं। अगर मैं अभी सो गया तो यार मुझे लगता है मैं कटरा से पहले नहीं उठूँगा। तो जो 2-4 घंटे बचे हैं बस बैठ के स्किप लेते हैं, गेम खेलते हैं ऑनलाइन। और कुछ लोगों का बर्थडे है उनको विश करते हैं, सुनील का बर्थडे है स्क्रीन का उनका फ़ोटो देख लीजिए, उनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे भाई। और मेरे भांजे का भी आज बर्थडे है, तो हीरो इस हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल्सो कहानी बॉय। बस अभी यहाँ से आपको डिपार्चर दिखाते हैं और फिर सीधा गाड़ी यहाँ से चलने के बाद रुकेगी जम्मू तवी स्टेशन पर। और यहाँ से लेके जम्मू तवी तक का जो स्टेशन डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर्स। तो दोस्तों हमारा डिपार्चर यहाँ से शुरू हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। और दूसरी तरफ तो यार ज़्यादा अंधेरा है, चलिए दूसरी तरफ ही दिखाते हैं। पठानकोट और यहाँ से दोस्तों बहुत सारी सवारी उतरी है, थोड़ी नहीं बहुत सारी। तो दोस्तों रात के 1:05 हुए और गाड़ी यहाँ पे पहुँची थी 10 मिनट लेट। अभी यार फाइनल डिपार्चर देख लीजिए। छोनी चक्की बैंक, सांबा स्टेशन गया। नाउ वी आर वेरी डियर। और अभी इस टाइम हम 10 मिनट अर्ली चल रहे हैं। दोस्तों मैं जल्दी से आपको बता दूं, ये जो हमारी गाड़ी है श्री शक्ति एक्सप्रेस, इसका नाम आप अपना काम करेंगे। सो ये इसका नाम हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था 2014 में, तभी ये गाड़ी इंट्रोड्यूस भी हुई थी। और दोस्तों अगर बात की जाए कटरा स्टेशन की इस गाड़ी के साथ संबंध की, तो दोस्तों बहुत बड़ा रिलेशन है कटरा स्टेशन का और इस गाड़ी का। 2014 में जब ये गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी तभी ये गाड़ी बनी थी कटरा की पहली गाड़ी। जी हाँ, कटरा स्टेशन से चलने वाली पहली गाड़ी यही है जिस पे आज हम ऑन बोर्ड हैं, 02461। तब ये 0 नहीं लगता था, ये स्पेशल नहीं होती थी, तब ये 12461 होती थी। तो दोस्तों जम्मू तवी अजमेर के बीच चलने वाली गाड़ी के रेक्स यहाँ पे खड़े हैं विजयपुर में, और हमारी गाड़ी को यहाँ पे अचानक एक हॉल्ट मिला है। देखते हैं दूसरी तरफ विजयपुर अभी आएगा, जम्मू आगे। अभी आपने कहाँ जाना है? सांबा। तो दोस्तों कहाँ पे अभी कोई भी एक इंसान नहीं है। यहाँ से एक रूम से बंदा निकल के ना वो आगे जा रहा है, शायद लोको पायलट को कुछ देने जा रहा है। तो साथ ही दोस्तों आपको ये बता दूं कि इसका जो डबल नंबर है 62 जो कटरा से चलने वाली है, वो अभी 1.5 घंटा पहले यहाँ पे स्पॉट हुई है, विजयपुर क्रॉस की अभी उसने, तो वो भाई 1.5 घंटा लेट चल रही है। और हाँ, आपको मैंने अभी रेक्स दिखाए, दूसरी तरफ खड़े हैं, लाइट होती तो अच्छी तरह दिखाई देते। तो भाई ये भी गाड़ी कैंसिल है लंबे समय के लिए, अभी इसका कोई श्योरिटी नहीं है। दोस्तों अभी गाड़ी चल दी है विजयपुर जम्मू से, और वो बंदा वापस नहीं आया, शायद वो अंदर जो पावर कार है, जो लोकोमोटिव है, उसमें जाके बैठ गया। फिलहाल यहाँ का डिपार्चर देख लीजिए और नज़ारा बहुत सही है। ऊपर चाँद दिख रहा है और चांदनी रात है भाई, तारे ऊपर दिखाई दे रहे हैं बहुत क्लियर। बहुत देर के बाद विजयपुर स्टेशन दिखाई देने मिल रहा है। तो भाई बहुत सारे लोगों को जम्मू उतरना है और इसलिए लोग कच्ची पक्की नींद ले सोए हुए हैं, कच्ची पक्की नींद ले रहे हैं। तो काफ़ी लोग उठ चुके हैं, वैसे तो हम तो सोए नहीं पूरी रात, रेल फैनिंग जो कर रहे हैं। बड़ी विडम्बना स्किप। तो दोस्तों हमारी श्री शक्ति एक्सप्रेस जम्मू तवी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घुस चुकी है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है भाई। मुझे चेक करना पड़ेगा कि टेम्परेचर यहाँ पे कितना है। जम्मू तवी बड़ी देर बाद देखे, आई लव यू। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अभी जम्मू तवी। स्टेशन का नाम जम्मू तवी और स्टेशन का कोड JAT। यहाँ पे गाड़ी का 10 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ तक गाड़ी ने कवर कर लिया 576 किलोमीटर्स। ये स्टेशन ओपन हुआ था 1975। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मेडिकल चेकअप के लिए बोला गया है, हमारा सैंपल लिया जाएगा और जो लोग नेगेटिव हो गए उनको ये छोड़ देंगे। ऐसा यहाँ पे बोला गया। और मैं बता रहा था आपको 1975 में ये स्टेशन ओपन हुआ था और ये इलेक्ट्रीफाइड वाला 2003 को। और यहाँ से जो गाड़ी पहली बार चली थी इस जम्मू तवी पे आई थी वो थी झेलम एक्सप्रेस। सो गाइस अभी हमारा कोविड टेस्ट हुआ है और कोविड टेस्ट की रिपोर्ट थोड़ी देर में आएगी। जैसे ही रिपोर्ट आएगी फिर हमें फ्री किया जाएगा यहाँ से, तब तक के लिए अभी यही वेट करना होगा भाई। तो गाइस सैंपल दे दिया है, नेगेटिव आया अपना और अपन निकल दिए हैं अभी। और यार मैंने पूरी कोशिश की कि अच्छा ब्लॉग आपके लिए तैयार करूँ और इसलिए मैं पूरी रात सोया भी नहीं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक पक्का कर देना और अपने यार दोस्तों के साथ मित्रों के साथ आप पक्का शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइज़ इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना और साथ ही साथ थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार। और फिर मैं आपको मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद। जय हिंद करना मुश्किल हो गया है, एक पीछे एक कैमरा पकड़ा हुआ है और ये बैग मास्क। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, बाय। और दोस्तों जम्मू तवी की अगर बात की जाए तो 53 ट्रेन का यहाँ पे होल्ट हुआ करता था। उनमें से 30 ट्रेनें ओरिजिनेट होती थी, 29 टर्मिनेट होती थी और अभी फ़िलहाल यहाँ पे 28 ट्रेन का होल्ट है। अभी जब तक आप वीडियो देखेंगे पता नहीं यार क्या चेंज हो जाएगा, सो इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, इसलिए फिर मैं अवॉइड कर देता हूँ यार, क्योंकि दे कीप ऑन चेंजिंग यू नो द ट्रेन्स।